नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथिली फैशन में। आज हम आपको ब्लाउज के बाजू का डिज़ाइन बनाना बताएंगे। अगर डिज़ाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह हमारा मेन कपड़ा है और यह हमने पेपर ले लिए हैं, इस पर कटिंग कर लेंगे। कटिंग जो करना है तो हमें पेपर पर कटिंग करना है, तो ये हम लंबाई 8 इंच रखेंगे। ये एक्स्ट्रा है तो इसे हम निशान लगा ले रहे हैं। ये हमने 8 इंच पर निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से हमें 8 इंच ले लेना है। यहाँ हम 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे हम। आर्महोल की गोलाई जो है वो हम यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ से इस तरीके से हम शेप दे देंगे। आर्महोल की गोलाई का शेप दे देंगे हम। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो भी पेपर है उसे हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब इसे सीधी लकीर खींच लेंगे हम। अभी हम सेंटर में निशान लगा लेंगे, इसको इस तरीके से खोल लेंगे। सीधी लकीर खींच लिए हैं। ये हमारा आर्महोल की गोलाई 8 इंच है तो हम 4 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है, सीधी लकीर खींच लेंगे इस निशान से यहाँ तक। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। ये हमने 1.5 इंच का निशान लगा लिए हैं। यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और लगभग यहाँ से हम 2-2 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमने इस तरीके से 4 निशान लगा लिए हैं, यहाँ पे भी 4 निशान लगा लिए हैं। अब इसकी सीधी लकीर खींच लेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। अब ये वाली जो नोक है इसके आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं या फिर नाप के मेजरमेंट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम निशान लगा रहे हैं। ये हमने इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा 3 भागों में कटिंग हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ देंगे हम। ये हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया है। अब इसके जो कपड़े का कटिंग करना है इसको इस तरीके से हम रखेंगे। यहाँ पे पिन लगा लेंगे हम। ये हम 1.5 इंच का गैप देते हुए पिन सेट कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से पिन सेट कर लिए हैं। अब सबसे पहले ये जो 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें कपड़े को कटिंग कर लेना है। अब इसको इस तरीके से हमें सिलाई कर लेना है।
ये हमने पेपर के बराबर में पेपर को मिला लिए हैं। अब यहाँ पे हमें इस हिसाब से बारीक बारीक से प्लेट डाल देंगे। हमने पैटर्न के हिसाब से इधर भी बारीक बारीक से प्लेट डाल ली है। अब दूसरे जो दो पार्ट है उसका भी हम सेम कपड़े कटिंग कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं, ये इस तरीके से आ जाएंगे, सेम आ गए। ये नीचे का भी हम कटिंग कर लेंगे पट्टी। ये हमने पट्टी भी काट लिए हैं, अब इस पिन को निकाल लेंगे। पेपर हमने निकाल लिया, अब इसको सेट कर लेंगे इसमें, तो इसको इस तरीके से रखेंगे। ये हमने इस तरीके से सेट कर लिए हैं। अब इसमें हमें पट्टी लगाना है। ये हमने पट्टी लगाएंगे तो पट्टी को डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने पट्टी को सेट कर लिए हैं, इसके ऊपर इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे किनारे पे। ये सारे पेपर पहले निकाल लेंगे हम। ये हमने सारे पेपर निकाल लिए हैं, ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। इसके ऊपर मोती सेट कर लेंगे। इसी तरीके से हम ये सारे डिजाइन पे मोती सेट कर लेंगे। ये हमारा इस तरीके से मोती लग जाएंगे। ये डिजाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है। हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये डिजाइन आपको कैसा लगा, और डिजाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के नए नए ब्लाउज के डिजाइन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।